मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन सचदेवा एके विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, बाईफोकल वर्सेस प्रोग्रेसिव लेंस। बाईफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस क्या है, उसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है और हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और इन दोनों में से बेस्ट आपके लिए क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव या बाईफोकल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। बाईफोकल या प्रोग्रेसिव की ज़रूरत हमें नियर 38 या 40 साल की एज के आसपास पड़ती है। होता क्या है, अगर मेरी आई साइड या किसी पर्सन की आई साइड बिल्कुल ठीक है तो उनको डिस्टेंस बहुत अच्छा दिखता है, बट कहीं ना कहीं उनको बुक रीडिंग करने में, लैपटॉप पे काम करने में या फ़ोन में मैसेजेस या कोई कंटेंट पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमें एक रीडिंग लेंस की ज़रूरत पड़ती है। रीडिंग लेंस में आप सिर्फ रीडिंग का चश्मा भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें होता क्या है, जब आप रीडिंग का चश्मा पहनते हो तो आपको बुक रीड करना, फ़ोन में मैसेज पढ़ना सब इजी हो जाता है, बाकी अदर साइड सब आपके लिए ब्लरी विजन हो जाता है। एंड उसके बाद आ जाता है बाईफोकल। बाईफोकल जिसके अंदर डिस्टेंस विजन और रीडिंग विजन होता है, उसमें आपको डिस्टेंस भी क्लियर दिखेगा, रीडिंग भी क्लियर दिखेगा, बट कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट पे प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए प्रोग्रेसिव लेंस बनाया गया था। प्रोग्रेसिव लेंस में आपको डिस्टेंस विजन, रीडिंग विजन एंड इंटरमीडिएट विजन। इंटरमीडिएट मीन्स आपका लैपटॉप, आप गाड़ी चला रहे हैं, उसका क्लस्टरमीटर जहाँ अक्सर हमें प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए हम प्रोग्रेसिव लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड बाईफोकल बहुत तरह का लेंस, दो तरह के बाईफोकल लेंसेज आते हैं, इट वॉज क्रिप्टॉक बाईफोकल एंड डी बाईफोकल। मैं आपको दोनों लेंस भी दिखाऊंगा और दोनों के लेंसेज के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बात करते हैं पहले क्रिप्टॉक बाईफोकल के बारे में। क्रिप्टॉक बाईफोकल मीन्स ये डिस्टेंस विजन, ये रीडिंग विजन। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी पहले इसी लेंसेज का इस्तेमाल करते थे। एंड इसके अंदर दूसरा वर्जन आता है डी बाईफोकल, दिस इज डी बाईफोकल, सेम है, इसमें डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, इसमें भी आपको दूर और पास दो विजन मिलेगी। अब इसके बाद आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, बिजी स्केड्यूल डिजिटल लाइफस्टाइल होने के लिए प्रोग्रेसिव लेंस को लॉन्च किया गया। प्रोग्रेसिव लेंस जिसमें कोई लाइन नहीं होती, ये प्रोग्रेसिव लेंस है, इसमें आपको डिस्टेंस विजन एंड रीडिंग विजन। अब डिस्टेंस और रीडिंग के बीच में जब आप डिस्टेंस से मूव करते हैं रीडिंग के लिए, तो थोड़ी 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 पावर, जैसे अगर मान लीजिए आपकी एडिशन डेढ़ है, तो ये यहाँ पर 0.25 से वर्क करना स्टार्ट होगा और प्लस डेढ़ तक जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज। ये सब लाइन्स जब चश्मे को रेडी कर दिया जाता है, ये सब लाइंस मिट जाएंगी, इसमें कोई लाइन नहीं आती, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। और प्रोग्रेसिव के अंदर भी आपको बहुत तरह के डिज़ाइन, बहुत तरह की कंपनीज मिलती हैं। एक आता है सॉफ्ट डिज़ाइन, एक आता है हार्ड डिज़ाइन। ऑप्टिकल लैंग्वेज के अंदर हम उसको कहते हैं कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव एंड अ फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव। फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्रेसिव है, जिसके अंदर आपको जंपिंग इमेज कम मिलेगी और ईजीली आप मूव कर पाएंगे अपने डिस्टेंस से रीडिंग की ओर। और जितना आपको फ्री फ्रॉम टेक्नोलॉजी पे वर्क होगा, उतना ए जाएगा, वाइडर एरिया होने से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अक्सर लोगों की कईयों की कंप्लेंट होती है बाईफोकल के अंदर कि हमें ना जंपिंग बहुत होता है। जंपिंग होने का रीज़न है, जब हम डिस्टेंस से डायरेक्ट रीडिंग पे जाते हैं, यहाँ सपोज करते हैं पावर जीरो है मेरी और यहाँ एक नंबर, तो जब एक नंबर का जंप आता है, पावर एकदम से बूस्ट हो जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं जंपिंग की प्रॉब्लम आती है। एंड प्रोग्रेसिव के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्रोग्रेसिव स्टार्ट होता है 0.25 से वर्क करना स्टार्ट होता है, और जो आपकी एडिशन है, जो आपको डॉक्टर ने नियर के लिए प्रिस्क्राइब किया है, वहाँ तक 0.25 के वेरिएशन से वो वर्क करता है और आपको कम्फर्टनेस बहुत देता है प्रोग्रेसिव। साथ में आप प्रोग्रेसिव के अंदर एरिया अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कस्टमाइज अपने हिसाब से करा सकते हैं। आप अच्छा प्रोग्रेसिव लेंस के लिए एक अच्छे ऑप्टिशियंस का चुनाव कर सकते हैं, अपने ऑप्टिशियन से लेंस के बारे में डिस्कस करें, आपको अच्छे से ऑप्टिशियन ब्रीफ करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेस्ट है, हमें क्या लेंस यूज़ करना चाहिए। तो हमेशा अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि ना कंज्यूमर चश्मे पे फ्रेम पे बहुत फोकस करता है, मैंने फ्रेम रेबैन लेना है बट मेरे को लेंस नॉर्मल प्रोग्रेसिव दे दो। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लेंसेज को समझें, अपने ऑप्टिशियन से सवाल करें, लेंस के बारे में पूछें, ब्रांड के बारे में पूछें, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछें। सो फ्रेंड्स, आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर आईज, ऑलवेज अच्छा प्रोग्रेसिव लेंस का चुनाव करें, प्रोग्रेसिव लेंस को अडॉप्ट करना
बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं आती, आप बहुत आराम से प्रोग्रेसिव का यूज़ कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आपको कभी भी कोई भी प्रोग्रेसिव से रिलेटेड या ऑप्टिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप चैनल और आपके नॉन में किसी को प्रोग्रेसिव में इशू आ रहा है या ऑप्टिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन एंड साइनिंग ऑफ, सचिन सचदेवा फ्रॉम AK विजन ऑप्टिकल।